नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत कुमार, वाइस प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी, TMU मुरादाबाद। आज हम बात करना चाहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम के बारे में, जो कि है पैरामेडिकल साइंसेस। विगत लास्ट वर्ष से हम देख रहे हैं पूरा विश्व एक बहुत ही वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसमें कि COVID-19, जिसको कि हम लोग भलीभांति परिचित हैं सारे लोग। और इस दौरान पैरामेडिक्स की जो भूमिका रही है, जो उनके रोल रहे हैं, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैरामेडिक्स या फिर पैरामेडिकल साइंसेस की महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मेडिकल के टर्म में हम ये बोलते हैं कि पैरामेडिक्स डॉक्टर्स की आँख होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और इसी बात को, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU के अंतर्गत कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस की स्थापना 2010 से शुरू हुई थी। हमारे पास पैरामेडिकल के मुख्य ब्रांचेज हैं, जैसे कि MLT मेडिकल लैब टेक्निक्स, जिसमें कि हम छात्रों को तरह तरह के ब्लड में टेस्ट के बारे में बताते हैं, पैथोलॉजी का लैब्स के बारे में बताते हैं। और दूसरा है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स, जिसमें कि हम लोग उनको CT स्कैन और MRI और ये सब करने के की शिक्षा देते हैं। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ऑप्टोमेट्री, जिसमें कि हम लोग आँख के संबंधित चीज़ों को बच्चों को पढ़ाते हैं। पैरामेडिकल के तीनों प्रोग्राम, मेडिकल लैब टेक्निक्स, चाहे वो RIT आइदर वो ऑप्टोमेट्री में, हमारे पास डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तीनों तरह के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। और मैं आप सभी लोगों के साथ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ साझा करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि हमारे सारे पैरामेडिकल के जो भी प्रोग्राम हैं, वो सारे प्रोग्राम्स UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित हैं और उनसे अप्रूव्ड हैं। और इसका फ़ायदा छात्रों को ये होता है कि जब वो छात्र यहाँ से कंप्लीट करने के बाद वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होता है। और उसका बेनिफिट उनको ये मिलता है कि जब कभी सरकारी नियुक्तियों में या फिर प्राइवेट नियुक्तियों में उनको वरीयता दी जाती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। चिकित्सा क्षेत्र की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2019 में हमने 12 नए और डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो कि चिकित्सा क्षेत्र की सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये सारे डिप्लोमा प्रोग्राम द्विवर्षीय हैं और इनको करने के बाद छात्र आसानी से जॉब्स पा सकते हैं। और हमारे यहाँ सभी हम छात्रों को सभी प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू UGC सिलेबस, अकॉर्डिंग टू स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उनके अनुसार हम उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको उनके पठन पाठन का कार्य भी कराते हैं। हमारे पास वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो कि छात्रों को टाइमली सब्जेक्ट के बारे में सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, उनके टाइमली क्लास कंप्लीट कराते हैं। और हम लोग इसके अलावा, जो हमारी एक विशेषता है, हम लोग अपने छात्रों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी क्लासेस कराते हैं, जो कि बहुत हमारी एक अपनी यूनिक है, हमारा एक फीचर, जिससे कि बच्चों को अपने आप को प्रेजेंट करने में कहीं भी हिचक, उनको कहीं भी आराम से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। और किसी भी कॉलेज के लिए या फिर पैरामेडिकल के लिए लैब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो हमारे पास 6 वेल एस्टेब्लिश्ड लैब हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों को वो एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो जाने वाले हैं, हॉस्पिटल्स में या फिर कंपनीज में। तो उसके लिए हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि जिसने कि अब कोरोना काल में अपनी बहुत सी सेवाएँ दी हैं, उससे हम लोग भलीभांति परिचित हैं। और हम अपने बच्चों को इन हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए भेजते हैं डेली, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, और वो वहाँ पर मरीजों के साथ, उनके साथ कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनका सैंपल लेना है, कैसे और ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करनी है, वो सारा वो वहाँ पे सीखते हैं। और सीखने के बाद वो हम उनका एग्जामिन करते हैं कि वो कंप्लीट हैं या नहीं है मार्केट में जाने के लिए। अब तक चूंकि हमारा कॉलेज
2010 से चल रहा है, तो अब तक करीब 2000 प्लस बच्चे हमारे इस चिकित्सा क्षेत्र के सेक्टर में जुड़े हुए हैं और हर वर्ष 200 प्लस बच्चे हमारे ज्वाइन कर रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र को। और हमारा एम है कि हम इस संख्या को और बढ़ाएं और इनके प्लेसमेंट कराएं, और जो हमारे बोर्ड में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं 12th में, मैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हमसे जुड़िए और सुनहरे भविष्य को साकार करिए। धन्यवाद।